अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? मे भी सब लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा काम है घर में, तो आपको दिखाते हैं। और रमज़ान भी आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन भी हो रही है, आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं गाइस, शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग। तो गाइस देखिए, ये क्या कर रही हैं? ये तो गाइस, हम रमजान की तैयारियां कर रहे हैं और बना रहे हैं गुड़ और इमली की चटनी, जो कि चलेगी हमारी महीना भर, पूरे रमजान भर। इसलिए आज हम इसमें इमली है, ये इमली है, इसको ग्राइंड कर चुके हैं, इसका पल्प को छान रहे हैं। कितना देर लगेगी छानने में? टाइम लगता है गाइस, बगैर मेहनत के कोई भी चीज अच्छी नहीं बनती। वो तो है, हर चीज में मेहनत होती है। गुड़ अब इसमें पड़ेगा है। देखो क्या भुना जा रहा है, सौंफ। सौंफ को भुना जा रहा है। तो गाइस, ये अर्शु खान को दे दी है मैंने थोड़ी सी सौंफ पीसने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें। थोड़ा जिम करते हैं तो थोड़ा सा तो काम करना जरूरी है ना। ये देखिए निकम, ये देखिए गाइस, ये है सौंफ, ये है पिसा हुआ थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया सौंफ, ये है फेनल जीरा, ये है आपका मिर्च, और ये है ब्लैक सॉल्ट, ये शुगर, ये है कलौंजी, और वो ये है जैगरी जो है आपका मेन इंग्रेडिएंट। हल्का सा तेल लेंगे, रिफाइंड तेल, हाँ कुछ भी ले लो, रिफाइंड देसी घी, बस खाली नाम चाहिए। जीरा वो उधर गया, जो उसका पल्प है इमली का, इसमें आपका जो है लाल मिर्च, गाइसली गई जैगरी, जब तक कि ठीक ना हो जाए, जब तक कि ये बन रही है गुड़ और इमली की चटनी, जो कि उबल उबल के गुस्से में आ रही है बहुत ज़्यादा। और पूरे रमज़ान भर इसको लोग चाट चाट के इस चटनी को खाते हैं, कभी आलू की पकौड़ी के साथ, कभी आलू की टिक्की के साथ, कभी ब्रेड पकौड़े के साथ, तो कभी समोसे के साथ, तो कभी प्याज की पकौड़ी के साथ, और कभी पालक की पकौड़ी के साथ। गाइस देखिए, फाइनली ये चटनी रेडी हो गई है, और ये जैसे जैसे ठंडी होएगी और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए गाइस, इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी है। चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, चटपटी है, काफ़ी अच्छी बनाई है नेहा ने, मज़ा आ गई। तो गाइस, हम खरीद लाए मार्केट से सारे पापड़, जो कि रमज़ान की पूरी तैयारी हो गई है। बैडमिंटन, ये आ गई है मेरी फोपी, ये आ गई है मेरी चक्री, तो ये आ गए साबूदाने के। जी गाइस, फाइनली रमज़ान की सारी शॉपिंग हो चुकी है, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह गाइस, मैंने सोचा है कि 30 डे का चैलेंज एक्सेप्ट करने को सोचा है, क्योंकि रमज़ान का दिन आ गया, इतना पाक महीना है। तो आपके साथ इंशाल्लाह मैं ब्लॉग 300 दिन का शेयर करने का चैलेंज सोच रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लूँ, और इंशाल्लाह आपको 300 दिन दिखाऊंगा ब्लॉग्स, और आप लोग अपना सपोर्ट प्लीज़ दिखाइएगा। और इंशाल्लाह मैं फूड से जो कंटेंट डालता हूँ शॉर्ट्स में, वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो मेरी सिस्टर नए नए रेसिपी बनाएगी वो शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड बाय।